सो गाइस वेलकम बैक टू अल्टी व्लॉग्स फॉर अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, मतलब बात करेंगे, पहले प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं। जो प्रीवियस वीडियो मैंने क्रिकेट पर डाली थी उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, एवरीबॉडी वाज लाइकिंग इट। तो वही मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम एक्चुअल मैच की फुटेज नहीं बना पाते बिकॉज इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन्वॉल्वड एंड थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है भाई, 25 बंदे खेल रहे हो तुम बीच में वीडियो बना रहे हो। बट द थिंग इज अभी समर स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया में एंड समर मीन्स द बिग बैश सीजन इज अबाउट टू बिगिन। सो जिन्होंने हमारा चैनल लास्ट ईयर देखा होगा उन्होंने उनको पता होगा कि वी वेंट टू द स्टेडियम फॉर पर्थ स्कॉचेस गेम। इस बार भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला गेम हमारा 8 दिसंबर को होगा विच इज ब्रिस्बेन हीट वर्सेस पर्थ स्कॉचेस। जाएंगे मैच में, तुम्हें वापस से वीडियो देखने को मिलेंगी एंड ऑल दोस क्रिकेट लवर्स यू शुड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल लाइक इट। अब बात करते हैं आज की वीडियो के ऊपर। जैसा तुम्हें सबको पता होगा कि ओमिक्रॉन वेरियंट आ चुका है, ठीक है, कोविड का। And it's been said that it is more transmissible than a Delta variant and vaccines की efficiency थोड़ी कम हो जाएगी against it। तो अब medical details में तो हम जान नहीं सकते but we can only discuss about what is happening in Australia and what does that mean for the travellers incoming, ठीक है। तो आज की heading ये है, Australia implements 5 travel restrictions effective immediately to combat spread of new Omicron COVID-19 strain। भाई घबराओ मत, इसमें भी इंडिया से कोई फ्लाइट्स बैन नहीं हुई हैं, बट देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द स्टूडेंट वीजा होल्डर्स। जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे थे यहाँ पर दिसंबर में आने का, उनके लिए थोड़ी सी सैड न्यूज है विच विल बी डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट फिलहाल बात करते हैं, 5 ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट हुई है बिकॉज ऑफ दिस वेरियंट एंड वॉट डज इट एक्चुअली मीन फॉर ऑल द पीपल कमिंग इन टू ऑस्ट्रेलिया, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट बींग स्टूडेंट्स और द सिटीजन और द पीआरस, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एज यू कैन सी दिस लिंक, ऑस्ट्रेलिया इंप्लीमेंट्स 5 ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इफेक्टिव इमीडिएटली टू कॉम्बैट स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन कोविड-19 स्ट्रेन। अब भाई इस स्ट्रेन पे भी बहुत कम रिसर्च हुई है, सो नोबडी कैन यू नो एक्चुअली वेरीफाई कि इज इट मोर ट्रांसमिसेबल और लेस। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 2 केस आ चुके हैं इन न्यू साउथ वेल्स। बट द गुड थिंग वॉज कि जिस फ्लाइट में वो आए थे उसमें हर एक सीट छोड़ के बंदे बैठे थे, दैट वॉज द फर्स्ट गुड थिंग। सेकंड गुड थिंग जो कि जो वो 2 केस हैं दे वर फुली वैक्सीनेटेड। तो अभी स्टडीज चल रही हैं कि वो उनकी वैक्सीनेशन का एक्चुअली ओमिक्रॉन वेरिएंट पे क्या असर है, आइदर इट इज कॉम्बैटिंग इट वेल एब्सोल्युटली सेम एज द डेल्टा वेरिएंट या फिर मे बी वैक्सीन की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो गई। बट अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए देर हैव बीन सर्टेन रिस्ट्रिक्शन विच हैव बीन प्लेस टू एक्चुअली यू नो इम्प्रूव द कंडीशन एंड ताकि वो और लोगों में ना फैले। प्लस जितने फ्लाइट में वो लोग थे, वो एक्चुअली फ्लाइट थी दोहा टू सिडनी, तो उस फ्लाइट में जितने भी लोग थे उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया एंड सो फार इट इज लुकिंग गुड। बट आगे क्या होगा भाई कुछ नहीं कह सकते। ऑस्ट्रेलिया हैज टाइटेंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम 9 अफ्रीकन नेशंस अमिड कंसर्न ओवर द न्यू कोविड-19 स्ट्रेन। फेडरल हेल्थ मिनिस्टर ग्रेग हंट ऑन सैटरडे अनाउंस अ सूट ऑफ 5 मेजर्स टू प्रिवेंट द वेरिएंट एंटरिंग ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 5 अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं या 5 अलग अलग मेजर्स कह लो। स्टार्ट करते हैं पहले मेजर से। First, effective immediately, anyone who is not a citizen of Australia or their dependents and who has been in African countries where the Omicron variant has been detected and spread will not be able to enter Australia. That is the bottom line. ठीक है, तो भाई अगर तुम लोग इन countries में से आ रहे हो तो भाई sorry, भूल जाओ, तुम Australia नहीं आ सकते। But I'm pretty sure nobody has been there. Plus, लोग actually क्योंकि international flights खुल गई थी, what they were doing कि country to country hop कर रहे थे to enter Australia. Because as you know, New Zealand and Singapore इन सबसे bubble खुला हुआ है. So what people were doing is hopping on to various countries. क्वारंटाइनिंग फॉर 14 डेज एंड देन कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो आज के बाद से ये चीजें मॉनिटर होगी कि वो पिछले 14 दिन में वो बंदे कहाँ कहाँ गए हैं। ठीक है, सेकेंड इज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन एंड रेजिडेंट्स एंड द डिपेंडेंट्स अराइविंग फ्रॉम दीज कंट्रीज विल नीड टू गो इन टू इमीजिएट सुपरवाइज क्वारंटीन फॉर 14 डेज एज सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेलेवेंट स्टेट्स और टेरिटरीज। एज सेड प्रीवियसली बिफोर, हर टेरिटरी और हर स्टेट की डिफरेंट एनफोर्समेंट्स होती हैं रिगार्डिंग कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। So the bottom line is Australian citizens and residents can arrive into the country but they have to go under a 14-day quarantine which is mandatory. इससे एक link students का भी होगा which will be shown later in the video. Third thing discuss करते हैं, that is these restrictions also apply to people for instance such as international students and skilled immigrants arriving from the travel bubbles who have been any of the 9 countries. This is also an adjoining point to the previous one. Fourth, anyone who has already arrived in Australia and who has been in any of the 9 countries within the past 14 days must immediately isolate. And that is obviously natural क्योंकि जिस भी फ्लाइट में तुम आते हो उसके जो लोग हैं वहां पे तो वो भी रिस्क पे होते हैं एंड यू डोंट वॉन्ट टू यू नो स्नैच दर फ्रीडम अगेन। वैसे सिडनी बहुत टफ फेज से गुजरा है एंड दे आर स्टिल रिकवरिंग, इवन विक्टोरिया इज द सेम, सो दे डोंट वॉन्ट दिस थिंग टू यू नो स्प्रेड आउट फर्दर। एंड फिफ्थ, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट विल सस्पेंड ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम द 9 सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशंस। तो ग्लोबली जो सिनेरियो है उसमें
अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा हांगकांग, इसराइल, ये कंट्रीज भी इंक्लूडेड हैं एज अ टोकन ऑफ प्रिकॉशन, बट ऑस्ट्रेलिया हैजंट डन इट येट, इट्स ओनली द 9 अफ्रीकन कंट्रीज. अब बात करते हैं भाई जिसके बारे में ये वीडियो है एक्चुअली में, विच इज की जो स्टूडेंट्स और जिसके बारे में यू नो फेडरल गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल रही थी फ्रॉम 1st December, वो पहली बात तो डिले हो चुके 15th December तक. फेडरल गवर्नमेंट पॉजेज इंटरनेशनल अराइवल्स फॉर स्टूडेंट्स एंड वीजा होल्डर्स एज इट अवेट्स इन्फॉर्मेशन ऑन ओमिक्रॉन कोविड. ठीक है, दिस लिंक वॉज सेंड टू फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तो इनिशियल प्लान ये था दिसंबर से सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल जाएंगी, जो कि मैंने अपनी शायद प्रीवियस दो वीडियोस में बताया भी था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ऑल द स्किल्ड वीजा इमिग्रेंट, जो भी एलिजिबल वीजाज हैं वो ट्रैवल कर सकेंगे. बट द डेट फ्रॉम 1st December हैज बीन शिफ्टेड बैक टू 15 December बिकॉज द फेडरल गवर्नमेंट हैज डिफर्ड वेडनेसडेज प्लान, क्या बोल रहा हूँ, वेडनेसडेज प्लान ईजिंग ऑफ बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड अदर एलिजिबल वीजा होल्डर्स अंटिल December 15. The government says temporary pause will allow it to gather further information about the new Omicron variant of COVID-19 and whether it poses a greater threat than the Delta variant. इसकी जो चीजें हैं, जो ग्रेग हंट है यहाँ का मेडिक, क्या बोलते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उसने बोला है कि पहली बात तो यह है कि द ओमिक्रॉन वेरियंट इज मोर ट्रांसमिसेबल देन द डेल्टा वेरियंट, एंड सेकेंडली जो वैक्सीन हमें लगी हैं प्रीवियसली दैट मे और मे नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यू वेरियंट, तो इसके बारे में स्टडी होगी फॉर एटलीस्ट 15 days. And then they will be opening the flights. तो अगर तुम आने का प्लान कर रहे थे within this first 15 days, तो I'm pretty sure that you'll have to defer your flight or just reschedule it, क्योंकि allow नहीं होगा 15 December से पहले पहले. But जैसा scenario अभी है, अभी तक कोई और new cases नहीं आए और बाकी लोग quarantine में हैं जिनके केस आए थे. So if this remains same and they think you know Omicron variant का इतना ज़्यादा threat नहीं है to the community and everything, then they will resume the flights from 15 December. But if they think that it is a threat and for example case aana chalu ho gaya, then they will definitely suspend the flights indefinitely. theek hai, koi new date nahi aayegi. But right now abhi ki situation hai, jo flights hain 1st December ko start honi thi, they have been delayed to 15 se aage delay bhi ho sakta hai, but depending on the circumstances. Border is still open to Australians. To agar tum Australian resident ho, PR ho, aur tumhari family yahan pe hai, you can still travel, but as the next line is saying, Australia was due to reopen to international students, skilled migrants as well as humanitarian from December 1. However, the National Security Committee on Monday evening decided to pause that step. And as I said, ki pause kyun kiya gaya, pehli baat to they are not sure how effective the vaccines are and how transmissible this virus is. So once the entire study is done and concluded and they receive ki bhai hamare paas koi actually result hai to either define the transmissibility of this or the vaccine situation, then they will be opening the flights. So guys, this was a short and very crisp video, just giving you information about the Omicron variant. Zyada maine isme invest nahi kiya time, but the thing is, this was an important thing kyunki mere previous video ke hisab se flights were scheduled to open, but because this suddenly this new variant popped out of nowhere, that's why the flights have been delayed. Further information bahut jald jald aayegi, so the next video will be released within the next 2-3 days. If there is some new certain development in this scenario, but फिलहाल यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 new restrictions लगा दी हैं from those southern African nations. And what this means for the international students and other visa holders is that the flights have been delayed at least until 15th of December. So keep your fingers crossed. And अगर तुम्हारी flight plan था तुम्हारा यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने का in between these 15 days, I suggest you to reschedule it. And जो 15th के बाद travel कर रहे थे plan करने का travel कर रहे थे, you are still good to go. But keep your fingers crossed for the next thing. So guys, that was it. See you guys in the next one. Nayi video jaldi aayegi. Big Bash ki videos bhi jaldi aayengi. Stay tuned and yeah, just see you in the next one.